तो और मेरे बीजीएमआई वाले भाइयों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप सभी को फ्लोरा मोड की टॉप 3 सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसका यूज़ करके आप अपनी रैंक बूस्ट तो कर ही सकते हो, साथ साथ आप किसी भी एनिमी के ऊपर सरप्राइज अटैक भी दे सकते हो, कोई भी एनिमी आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही बीजीएमआई से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो पूरे रेंगल मैप के अंदर आपको इस टाइप के कई सारे घर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस घर के टॉप के ऊपर हम कभी भी नहीं जा सकते। कई बार क्या होता है, हमारा ड्रॉप अटक जाता है इस घर के ऊपर, या तो फिर कोई अच्छी अच्छी गन वहाँ पर पड़ी रहती है, तो हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन इस फ्लोरा मैनेज मोड के अंदर आप इजीली इस घर को क्लाइम कर सकते हो, इस घर के टॉप के ऊपर जा सकते हो। यही घर नहीं, इस तरह के जो भी घर है उन सभी घरों पे ये वाली ट्रिक वर्क करेगी। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर आ जाना है और एक सस्ता वाला ड्रॉप मंगा लेना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से खड़े रहकर एक ड्रॉप मंगाना है। जैसे ही आपका ड्रॉप आएगा तो आप एक सेकंड के अंदर इस घर के टॉप पे आ जाओगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो हम इस घर के टॉप के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर बैठकर आप अपनी रैंक पुश भी कर सकते हो और अटका हुआ ड्रॉप भी लूट सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। तो स्टेलबर के अंदर आपको ये सिमनी टाइप का कुछ देखने को मिल जाएगा, इसको क्लाइम करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इजीली इसके ऊपर चढ़ सकते हो। तो अगर लास्ट जोन यहाँ पर कभी भी बनता है तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये हवा में उड़ने वाला मशीन है, यहाँ पर आना है और हवा में उड़ जाना है, और सिंपली आपको उस सिमनी के ऊपर जंप लगा देना है। तो बूम का जब भी आप देख सकते हो हम इसके ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर से हम इजीली अपनी रैंक पुश कर सकते हो, और लास्ट जोन में हम यहाँ पर से चिकन भी निकाल सकते हैं। तो ये रही हमारी तीसरी और लास्ट ट्रिक। आपको फेरी पियर के अंदर ये वाला कंटेनर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक ग्लिस वर्क करता है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके बाजू में बैठ जाना है और एक सस्ता वाला ड्रॉप मंगा लेना है। जैसे ही आपका ड्रॉप आए तो आपको अपनी जॉयस्टिक को पीछे की साइड लेना है, और बूम गाइस आप देख सकते हो हम इस कंटेनर के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें कोई भी एनिमी स्पॉट नहीं कर पाएगा, और ईजिली हम यहाँ पर बैठ कर अपनी रैंक पुश कर सकते हैं। बाहर की साइड अगर कोई बंदा आता है तो उसे भी हम इजीली यहां पर बैठकर निपटा सकते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी पेटी कहां से चमक गई। तो यही थी आज की कुछ ट्रिक। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। डेली इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।